दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि कुछ टेस्टिंग लैब लगातार रिपोर्ट देने में देरी कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि टेस्टिंग लैब को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में 5000 से टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं हमेशा, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट नहीं हो रहे, प्राइवेट लैब बंद हो चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। किसने कहा है? दिल्ली में 42 लैब्स चल रही हैं, 7 लैब्स को सिर्फ इस वजह से कि वो रिपोर्ट्स बहुत लेट दे रहे थे, 7 लैब्स को 2 या 3 दिन के लिए रोका गया था। उनसे कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देंगे। आप सोच के देखिए ना, आपने टेस्ट दे दिया, पहले तो टेस्ट पॉजिटिव आता है 5 दिन के बाद, आपने टेस्ट दिया उसके आपके 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, 12 दिन हो गए, 10-12 दिन में तो ठीक भी हो जाते हैं, 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? आप उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से हमने सख्ती की थी। आप कह रहे हैं 42 लैब्स हैं, सारी चल रही हैं, हाँ ये सख्ती जरूर है कि अगर आप सैंपल लेते हैं 24 घंटे में रिपोर्ट दीजिएगा। जी सर, दिल्ली की कई RWAs ने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो खरीद लिए हैं कि ताकि अगर दिल्ली के अंदर स्थिति खराब हो तो वो लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। सर क्या अब तक देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिलेंडर की बात बताइए, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, ऑक्सीजन ही इसका ट्रीटमेंट है, अभी स्पेसिफिक मेडिसिन इसकी नहीं है, और ऑक्सीजन देने से तुरंत रिवाइवल होगा। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में बेड की कमी पर यह भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 2000 बेड की व्यवस्था की गई। देखिएगा, RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, उसमें दोनों तरह का इलाज काफ़ी समय से चल रहा है। और अभी देखो, जो सिचुएशन थी ना, शुरू में कहते थे कि भाई अगर कोरोना का पेशेंट दिख भी जाए तो शायद परेशानी होगी, अब सब जगह इलाज तो करना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन वार्ड बना के सब जगह किया जा रहा है। हाँ, ये मैंने बताया, अभी परसों हमने 2000 बेड का इंजाम और किया प्राइवेट में, दे विल बी अवेलेबल आफ्टर 2-3 डेज। सर, दिल्ली का ओवरऑल इन्फेक्शन रेट जो था पहले 12-13% था, अब 9 दिन के अंदर 25% हो गया, क्या मान रही है दिल्ली सरकार की कम्युनिटी जो ट्रांसफर होना था वो हो रही है, हालांकि केंद्र सरकार मना कर रही है? देखिएगा, एक्सपर्ट तो केंद्र सरकार ही है, साइंटिस्ट उन्हीं के पास हैं, उन्होंने कहा था कि लोकल स्प्रेड है, वही बताएंगे कम्युनिटी स्प्रेड है। सर, आपने 2 दिन पहले कहा था कैपिंग करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, क्या किसी निर्णय पे पहुंचे आप लोग? अभी अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सबके रेट मंगाए गए हैं, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। बैंकेट हॉल स्टेडियम वगैरह क्या तैयारी है? देखिएगा, बैंकेट हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, स्टेडियम, सबके ऊपर तैयारी चल रही है और उसको बड़े स्केल पर किया जाएगा।